हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, या हम इसको पेनिस फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम पेनिस इन्फेक्शन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम पेनिस का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये पेनिस का ग्लांस पेनिस होता है और ये इसकी फोर स्किन होती है और ये शाफ्ट होती है। अब ग्लांस पेनिस पे जो है यहाँ पर ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। ईस्ट जो होती है एक फंजाई होती है, या इसको हम कैंडिडा के नाम से भी जानते हैं। तो कैंडिडा नामक ईस्ट यहाँ पर अपना इन्फेक्शन कर देती है। तो इसके इन्फेक्शन के कारण यहाँ ग्लांस पेनिस पर ईचिंग मतलब कि खुजली हो जाती है, सूजन हो जाती है जिसको हम एडिमा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर रेडनेस हो जाती है मतलब कि ग्लांस पेनिस जो है क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है, और यहाँ पर रेडिस रैशेज पड़ जाते हैं मतलब कि लाल रंग के यहाँ पर चकते बन जाते हैं, और यहाँ पर देखिए इस टाइप के दाने से बन जाते हैं, और यहाँ पर देखिए जलन वाला पेन देखने को मिलता है मतलब कि जलन से यहाँ पर दर्द होता है। यहाँ पर देखिए पेनिस की जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जो इन्फेक्शन हुआ है वो ईस्ट के कारण हुआ है, ईस्ट मतलब के फंजाई के कारण हुआ है। तो जैसे ही फंजाई के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो हमको जो मेडिसिन की जरूरत होगी वो होगी एंटी फंगल मेडिसिन की। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की होती है, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर जोल शब्द आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है। जैसे कि यहाँ पर फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल में देखिए जोल आया है, और मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल में भी क्या है, जोल है। इसका मतलब दोनों ही मेडिसिन ये एंटी फंगल मेडिसिन है। तो ये दोनों मेडिसिन देखिए ईस्ट के इन्फेक्शन में काम करेंगी। तो पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन या पेनिस फंगल इन्फेक्शन में ये काम करती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम ऑइंटमेंट और क्रीम्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ग्लांस पेनिस पर जो है ये क्रीम्स लगाई जाती हैं। तो इस क्रीम के देखिए अंत में भी जोल शब्द आया है, यहाँ पर भी जोल है, देखिए यहाँ पर भी जोल है, और देखिए यहाँ पर भी जोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी फंगल क्रीम या ऑइंटमेंट है। अब यहाँ पर पहली क्रीम आती है कैंडिड क्रीम, कैंडिड क्रीम में आता है क्लोट्राइमाजोल, ओके। नेक्स्ट आता है माइकोनाजोल, उसके बाद में नेक्स्ट क्रीम आती है इमिडिल के नाम से, ओके। इमिडिल में क्या होगा, क्लोट्राइमाजोल